हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के विद्यार्थियों, आज हम ग्रामीण अधिवास के बारे में बात करेंगे। अधिवास मानव जीवन के, मानव निवास के मूल आधार हैं। मानव समूह जहाँ स्थायी व अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते हैं, उस समूह को मानव अधिवास कहते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी अधिवास उन क्षेत्रों में मिलते हैं जब भूमि समतल होने के साथ साथ उपजाऊ हो, जल की सुविधा हो, मानव जीवन सुरक्षित हो, मानव के आकर्षण के लिए वहाँ संसाधन उपलब्ध हो, उसका जीविकोपार्जन आसानी से चलता हो, यातायात के साधन उपलब्ध हो, भूमध्य सागरीय मानसूनी एवं शीतोष्ण प्रदेशों में ही अधिकांश बस्तियाँ स्थायी रूप लिए हुए होती हैं, बाकी ज़्यादातर अब अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं? जैसे शिकारी, चरवाहे अथवा प्राचीन ढंग से खेती करने वाले कृषक, जहाँ पशुपालन रीतियों के अनुसार ऊंचे और पहाड़ी भागों में किया जाता है, घाटियों में स्थानांतरण होता रहता है, जैसे अल्पस हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयाज में जो वहाँ पशुपालक हैं वो गर्मियों के 6 महीने अपने पशुओं को लेकर ऊपर चले जाते हैं, वहीं अपना अस्थायी आवास बना लेते हैं और वहाँ अपने 6 महीने तक अपने पशुओं को वहीं रखते हैं। जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वो फिर अपने पशुओं को लेकर नीचे आते हैं। तो इस तरह से जो अस्थायी अधिवास बनाए जाते हैं वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होते हैं। कुछ समय के लिए व्यक्ति अपने पशुपालन के लिए या अपने किसी भी ऐसे कार्य के लिए जिसमें उसको 4-6 महीने, 4-5, 5-7-10, तो उस दौरान वो वहाँ रहता है और अपनी अस्थायी आवास की स्थितियाँ बना लेता है। पहाड़ी एरियाज में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्थायी अधिवास के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे बिखरे हुए कृषक घर, पूर्वा गांव, कस्बा, नगर, इनमें कुछ ग्रामीण अधिवास और कुछ को नगरीय अधिवास कहते हैं। जो ग्रामीण अधिवास हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बनाए जाते हैं वो सामान्यतः एकाकी अधिवास होते हैं, क्योंकि कृषक अपने जो घर बनाते हैं वो अधिकांशतः जैसे खेतों में बना लेते हैं या दूर दूर होते हैं। अब इसमें जब हम अलग अलग रूप देखते हैं तो किसी को हम बस्तियों का नाम देते हैं। आजकल के ग्रामीण अधिवास जो हैं वो ज़्यादातर पक्के, स्थाई और सघन होते हैं, क्योंकि अब जो खेतों में जाकर मकान बनाने की प्रवृत्ति है वो शहरीकरण के प्रभाव के कारण बढ़ गई है। लोग अपने खेतों में घर बनाते हैं लेकिन रहने का जो सुविधाएं प्राप्त करने का, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सारा गांव के किसी एक निश्चित एरिया में, तो घर भी उसके आसपास ही लोग अपने बना लेते हैं। अब जैसे वहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या है, जैसे कृषि करना, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, वस्तुओं का संग्रहण करना। अब इस तरह की यदि आप देखें तो जो भी व्यापार की सुविधाएं ग्रामीण अधिवास में उस स्थान पर उनको उपलब्ध होती है तो वो वहाँ पर अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। कि जैसे आप देखेंगे कि गाँव में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लगातार कपड़ा बुनने की छोटी छोटी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, वो बने हुए हैं, नमदे बनते हैं, मोटी मोटी वो चादरें बनाई जाती हैं, तो ये लोग फिर अपना स्थायी निवास बनाकर उसमें अपना कपड़ा बनाने की मशीन को फिट करके और हाथ से उस मशीन पर कार्य करते हैं। इसमें अब लकड़ी काटने वाले जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादातर आपके वन भूमि के आसपास बसना पसंद करेंगे, जहाँ उनको लकड़ी काटने की सुविधाएं आसानी से मिल जाए। वस्तु संग्रहण भी इसी प्रकार से होता है कि आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ है
जैसे जड़ी बूटियों का संग्रहण किया जाता है, फिर वो लाकर शहरों में वैद्य को या जो आयुर्वेद की दुकानें होती हैं उनको दे दिया जाता है। अब गाँव में जनसंख्या का भी प्रभाव होता है। गाँव में जनसंख्या, जहाँ सुविधाएं ठीक हैं, जहाँ पानी उपलब्ध है, जहाँ भूमि उपजाऊ है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। कभी कभी 5,000 घर लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको कि हम कस्बा या एक तरह से विकसित गांव के रूप में कह सकते हैं। बाकी गांव में जनसंख्या कम मिलती है और इनमें जो मकान होते हैं उनके बीच में दूरियां भी होती हैं। जैसे शहर में दीवार से दीवार सट के जिस तरह से मकान बनाए जाते हैं, उस तरह के मकान ग्रामीण परिवेश में देखने को कम मिलते हैं। दुकान, स्कूल, मंदिर, ये भी बहुत कम होते हैं। यानी जैसे आप देखेंगे कि छोटा सा कोई गांव होगा तो वहाँ आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को आपको मिलेगा, कि वहाँ प्रॉपर पक्की सड़कें नहीं हैं। जिसको ऐसे आप गांव गांव क्या है कि कई भागों में बंटे हुए हैं, पुरवा, ढाणी, तो ये जो छोटी छोटी एक 10-20 घरों का एक एरिया होता है, 50 घरों का एक एरिया होता है, उन क्षेत्रों में स्कूल, दुकान, मंदिर, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ 200 घर हैं, 500 घर हैं, वहाँ आपको चिकित्सा की सुविधा, स्कूल की सुविधा, दुकानों की सुविधा, मंदिर की सुविधा भी देखने को मिलती है। नगरीय अधिवास तो आप लोग जानते हैं कि नगरों में तो यातायात के साधन के विकास के साथ साथ लगभग सारी जो सुविधाएं इंसान को चाहिए अपना जीवन जीने के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर फैसिलिटी, हर सुविधा शहर में मिलती है। अब आपको इसमें आपके ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार और वर्गीकरण हैं, तो ग्रामीण अधिवास का जो सामान्य वर्गीकरण है वो उसकी स्थिति, प्रकार, स्वरूप, प्रतिरूप, भौतिक वातावरण, आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकी तथ्यों के आधार पर दो भागों में किया जाता है। पहला आपका है सामूहिक या सघन ग्रामीण बस्तियाँ, और दूसरा होता है प्रकीर्ण या बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियाँ। अब सघन ग्रामीण बस्तियाँ किन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगी? उन क्षेत्रों में मिलेगी जहाँ मनुष्य सामाजिक दृष्टि से अपने पूरे समाज के साथ मिलकर रहना पसंद करता है। यानी जैसे कि कोई एक गांव में एक समाज के लोग ज़्यादा रहते हों, या सामाजिक रूप से उनका जीवन स्तर जो है वो एक जैसा हो, चाहे वो उनका अलग अलग जातियाँ हों, लेकिन सामाजिक स्तर और गांव का जो बसाव है सघन बस्तियों का भी, उसमें जो बीच का भाग होता है, गांव का मेन जो सेंटर पार्ट होता है जहां पर बाजार बनते हैं, तो गांव का विकास आप देखेंगे तो कई स्थानों पर ऐसा है कि सड़क के किनारे किनारे दुकानें खुल गई, उन दुकानों के पीछे उन दुकानदारों ने ही अपने घर बना लिए, तो वो सारे व्यापारीगण हो जाते हैं। फिर व्यापारियों के पीछे वो क्षत्रिय वंश के जो लोग होते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, कृषक किसान हैं, वो होते हैं, और उसके बाहर और अन्य लोग बसते हैं। तो अब ग्रामीण परिवेश का पहले की जो बसावट थी वो इस तरह से हुआ करती थी कि किसी भी एक सेंटर को माना जाता था, या तो व्यापारिक सेंटर हो जाता था कि पहले दुकानें खुल गईं और फिर पूरा गांव बस गया, या जैसे एक पंचायत भवन उसके चारों तरफ खुल गया, तो इस तरह की आवासीय व्यवस्थाएं होती थी। अब उनमें बहुत परिवर्तन आया है, घर के गांव के बाहर की तरफ लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। अब मेन जो सड़क होती है उसके किनारे किनारे लोग बसना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें यातायात की सुविधा, स्कूल और कॉलेज और आजकल तो ये हॉस्पिटल्स, ये सब सड़क के किनारे किनारे ही बनाए जाते हैं। तो जब आपके गांव के बाहर आपको सारी सुविधाएं जीवन के उपयुक्त मिलती हैं तो आप उसमें रहना पसंद करते हैं। तो अब धीरे धीरे
जो पहले गांव का सेंटर गांव के बीच में हुआ करता था और वहां से गांव की शुरुआत हुआ करती थी, जहां पानी के लिए कुआं हुआ करता था या तालाब जैसी कोई चीज़ें हुआ करती थी। आजकल उन सब चीज़ों की बजाय गवर्नमेंट की सुविधाओं के आधार पर नल कनेक्शन सभी को मिल गए हैं, तो पानी की उपलब्धता प्लस आपकी जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो दोनों जहाँ पूरी हो रही होती हैं, व्यक्ति मकान आजकल वहाँ बना रहा है। तो इसको आप यूँ कह सकते हैं कि समतल भूमि होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, पर्याप्त जलराशि होगी, तो किसान के स्थायी भरण पोषण की जो व्यवस्थाएं होगी वो वहीं पर अपना बसना पसंद करेगा। दूसरा, आपके प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है कि दूर दूर घर बसे होते हैं और उनका आपस में पारस्परिक संबंध जो होता है वो कच्ची सड़कों के या पगडंडियों के थ्रू होता है कि एक जगह जैसे 20 घर बन गए, वो जो एक एक ही, चाहे वो एक व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो एक समुदाय से संबंधित हो, जैसे 20 25 30 घर एक जगह बने हुए हैं, उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक कोई घर नहीं बना हुआ, फिर अगेन 10 20 50 घर बने हुए हैं। तो इस तरह के जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर मरुस्थल में, जहाँ उपलब्धता पानी की बहुत थोड़ी, कहीं पानी आसानी से मिल रहा है तो उसी स्थान पे लोग 10 20 घर बना लेते हैं, या एक समुदाय जो बाहर से आया है और वहाँ बस गया है तो वो उसी के सारी फिर जितने भी रिश्तेदार संबंधी जो भी होते हैं वो सब वहीं पर आ के बसना शुरू कर देते हैं। और ऐसा आपको ज़्यादातर मरुस्थलीय एरिया में देखने को मिलेगा। आप जैसलमेर जाइए, वहाँ आपको इस तरह की बस्तियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। इनमें आपको ये भी है कि खेती की संभावनाएं कम, आपके जीवन स्तर की जो स्थिति है वो कम होती है, और पर्वतीय स्थल पे भी जब आप जाएंगे, मरुस्थलीय के अलावा पर्वतीय स्थलों पे भी जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप चाहे उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए, किसी भी पहाड़ी एरिया पे, आप शिमला की तरफ चले जाइए, मनाली की तरफ चले जाइए, नैनीताल की तरफ चले जाइए, आगे और भी जब पहाड़ियों की तरफ आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक मकान, फिर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद कहीं एक मकान, मतलब वहाँ की ज़िंदगी उसको देखते हुए लगता है कि ये कैसे इन्होंने अरेंज किया है, जो 4 5 मकान फिर पहाड़ी पहाड़ी, आसपास में पूरा पहाड़ है। तो ये इस तरह की बस्तियाँ होती हैं जहाँ सुविधाएँ बहुत कम होती हैं, व्यक्ति को जहाँ लगता है कि यहाँ मैं अपना घर बना सकता हूँ, या उसका छोटा मोटा कोई बाग है, खेत है, उसी स्थान पे वो किसी तरह से कोशिश करके अपना बना लेता है, क्योंकि पहाड़ों में रोज़ आना और जाना यही बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो वहीं बसना पसंद करता है जहाँ उसका छोटा मोटा, जैसे वहाँ सेब के बाग होते हैं, आपके फल फ्रूट जो भी उधर से आते हैं जिसमें सेब है, वनस्पति है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो वहीं घर बना लेता है। अब वहाँ भी कल्चर बदल रही है, वहाँ भी शहरीकरण का प्रभाव पहुँच रहा है, तो वहाँ भी फ्लैट सिस्टम बन रहे हैं, हालांकि पहाड़ों में वो बहुत मुश्किल काम है और वो बहुत रिस्की भी है, लेकिन फिर भी अब लोग जितने ज़्यादा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीज़ों का विकास ज़्यादा होगा। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जो अधिवास है, ग्रामीण अधिवासों में जो स्थाई और अस्थाई बस्तियां हैं वो इसी तरह से बसती हैं कि स्थाई बस्ती तो इस जहाँ किसानी, किसान लोग ज़्यादा हैं और जहाँ उनकी फसल भरपूर हो रही है वहाँ स्थाई रूप से आपको निवास देखने को मिलेंगे, लेकिन अस्थाई निवासों को ज़्यादातर पशुचारण कार्य में जो लगे हुए हैं या डेली बेसिस जैसे ऐसे कुछ काम करते हैं तो वो जैसे रात को वहीं रुकना है तो वो अस्थाई रूप से अपना एक स्थान बना लेते हैं, वहीं रह जाते हैं और फिर कुछ काम जब ख़त्म हो जाता है, ये आपको वैसे शहरों में भी देखने को मिलता है कि जैसे कहीं कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है तो वहाँ बहुत सारे मजदूर जो वर्क करने आते हैं वहाँ इस तरह की अस्थाई एक बस्ती सी बस जाती है उनकी, और जैसे ही वो काम ख़त्म होता है वो बस्ती वापस अपना सामान लेकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये शहरीकरण की बात अलग है, लेकिन गांव में जो बनते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर
अपना कुछ छोटा मोटा व्यापार के लिए या अपने पशु चारण के लिए बनते हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों का आज मैंने अधिवास का पहला आपको चैप्टर बताया है। इसके दूसरे भाग में मैं आपको और इसके बारे में अधिक जानकारी दूंगी। धन्यवाद।